मियाँ साहब के जो दिल की आवाज़ थी, जो वक्त की जरूरत थी, वो आपके सामने आ गई। और यही जो है अपना इस वक्त ज़रूरत है वक्त की, और हमें जो है यही कुछ करना है। और ये तो आज ये चीज़ जो है शुरू हुई है, ये तो अपना अभी एक दरवाजे खोलने वाली बात है। आगे एक स्ट्रगल है इंशाअल्लाह ताला, और ये स्ट्रगल कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि मैं क्या कहूँ, किसी फर्ज के खिलाफ नहीं है, ये एक पूरे निज़ाम के खिलाफ स्ट्रगल है। और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से जो है ना ये स्ट्रगल लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे भी जो हैं हमारे साथ होंगे इस चीज़ में, क्योंकि कोई मेरी या नवाज शरीफ की जो है ना ये आज़ादी की बात तो नहीं है, ये तो पूरे मुल्क की आज़ादी की बात है, आप सबकी मीडिया की आज़ादी की बात है। पाकिस्तान जाकर मुकदमा का सामना करेंगे, पाकिस्तान जाकर मुकदमा का सामना करेंगे। मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ जी, मुकदमात की अब आपने बात करी दी है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब की सेहत का मामला अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मेरी एक बात याद रखें कि जो लोग ये समझते हैं ना जी कि नवाज शरीफ जो है वो उनको बंद कर देंगे, उनकी आवाज़ बंद कर देंगे, तो ये लग्जरी आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी आपको ये लग्जरी। मीडिया पे पाबंदी की बात की और 24 न्यूज पर भी पाबंदी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंतहाई रिग्रेटेबल चीज है। मुझे मालूम है कि इस वक्त 21 दिन से जो है अपना चैनल 24 जो है वो बंद है, और मुझे ये भी मालूम है कि मियाँ साहब की आवाज़ जो है वो बंद की गई है तकरीर के दौरान। और जिसने जो है ना वो सुननी है इस वक्त जो है फेसबुक के ऊपर और दीगर जो है फोरम्स के ऊपर सोशल मीडिया के, वो अवेलेबल है वो मियाँ साहब की तकरीर जो है, और आप ज़रूर सुनिए जाके, जरूर जो है ना उसको सुनिए। अच्छा हुसैन, ये बताएं कि मियाँ साहब अचानक सरप्राइज दे सकते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि कौम उनकी राह देख रही है और उनका आज मैसेज चला है, आप उनके मियाँ साहब पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन वो उस वक्त जाएंगे मियाँ साहब कि जिस वक्त जो है वक्त आएगा और वक्त का तकाजा